बढ़ते आगे। झांसी में जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में कई राजनीतिक दलों, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में कोरोना से बिगड़ रहे हालातों पर चर्चा की। इस दौरान डीएम ने सभी से इन हालातों से निपटने के लिए सहयोग मांगा और मरीजों को ऑक्सीजन गैस, रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि की आपूर्ति सुचारू किए जाने में मदद करने की अपील की। L1 बेड को ऑक्सीजन सप्लाई के साथ L2 बनाए जाने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। एक हफ्ते में L2 बेड तैयार हो जाएंगे। वहीं डीएम ने इस दौरान झांसी में ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित करने की सहमति दी। जो महानुभावों को बुला के और विभिन्न सामाजिक संगठनों की महानुभावों को विकास भवन में एक कोविड से संबंधित और कोविड की जागरूकता से संबंधित एक मीटिंग आयोजित करके इस मीटिंग के माध्यम से कुछ चीज़ें हैं अवगत कराया गया था। मुख्य रूप से बहुत सारे कम्युनिकेशंस हैं, जैसे हमारे कंट्रोल रूम की कम्युनिकेशंस हैं, हमारे कंट्रोल रूम पे मैन पावर की संख्या बढ़ोतरी के संबंध में, और यहाँ पे पेशेंट की रेफरल सिस्टम प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो उसके सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के संबंध में, और मौखिक रूप से जब आदमी इमरजेंसी में जाते हैं उसकी वेंटिलेटर की व्यवस्था और उसकी जो भी है ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था उसको स्ट्रीमलाइन करने में, उसकी प्रचार प्रसार करने में और कंट्रोल रूम के सब नंबर्स हर आदमी को प्रचार प्रसार करने में, और रेमडेसिविर की उपलब्धता और उसकी उपयोगिता के संबंध में, और भविष्य में आने वाले संकट को देखते हुए एक ऑक्सीजन प्लांट की सेटअप करने के संबंध में रूबरू की गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।